हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लेके आए हैं सभी के लिए लेकर आए हैं हरी मिर्ची से बहुत ही चटपटी अचार। अचार बोले तो या मिर्ची भरवा भी बोल सकते हैं, जो भी बोले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे अच्छे से मिर्ची को धो लिया है और इसको थोड़ा सा सुखा लेना है। मिर्ची को धो के सुखा लेना है यहाँ पे। और इसका जो डंठल है इसको हमें सबसे पहले तोड़ देना है डंठल को। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में आप बने रहे, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे बनाकर हफ्तों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी घर में कोई भाजी ना हो तो आप इसे खा सकते हैं। दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम सभी डंठल को तोड़ लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 दिन की मिर्ची भी चलेगी थोड़ा। तो यहाँ पे हमने सभी मिर्च के डंठल तोड़ लिए। तो अब ये जो मिर्च है इस तरह हम बीच से इसको काट लेंगे। तो बस पूरा नहीं काटना है, इस तरह से हमें इतना ही काटना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना हमें छोड़ देना है। बस ऊपर से इस तरह से काट लेना है सारी मिर्च को। तो अगर आप इसे महीनों तक रखना चाहते हैं तो जो हरी मिर्च आप लेके आते हैं मार्केट से उसे बस 2 दिन के लिए ऐसे खुले में छोड़ दीजिए और उसको अच्छे से धो के सुखा लेंगे तो टाइम तक चलेगा। तो इस तरह से हम सारी मिर्च को काट लेंगे और नीचे से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम सभी को काट लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटे साइज की प्याज ले लिए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा टमाटर ले लिया है। इनको हम बारीक कट कर लेंगे, अच्छे से बारीक कट कर लेना है। अब यहाँ पे एक प्लेट में हम हल्दी पाउडर ले लेंगे 1 चम्मच और 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर ले लेंगे। सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे हमने जीरा पाउडर नहीं, यहाँ पे एक काली मिर्च पाउडर है। अब 1 चम्मच जीरा पाउडर ले लेते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हम चाट मसाला ले लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमें कम ही लेना है, लेकिन अगर आपको तीखा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं तीखा। अब थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हम आमचूर पाउडर भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी मसाले ले लिए हैं। आप अपनी पसंद के यहाँ पे कोई भी मसाले ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेस्ट के लिए मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम सभी मसाले मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डाल के थोड़े टाइम के लिए इसे रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए मसाले। जब मसाले हमारे फूल जाते हैं पानी में तो ये थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो हम प्याज का तड़का लगा के अच्छे से इसको भून लेंगे और टमाटर को भी अच्छे से हम गला लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक पैन रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैन है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। छोटे मोटे काम इसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगता है। तो यहाँ पे ये पैन बहुत ज़्यादा अच्छा है। खासकर हमने इसे अपने बेबी के लिए मंगाया है, मतलब उसके कुछ खाना बनाने हो तो उस पर इसमें अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से अच्छे से यहाँ पे हो गया है। हमने प्याज का तड़का लगा दिया था और टमाटर को अच्छे से गला लिया था और मसालों को डाल दिया था और इस तरह से भून लेना है। तो फ्रेंड्स सॉरी, बीच का हमने नहीं दिखा पाया किसी कारण। तो यहाँ पे मसाले तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे, फिर ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पे मसाले ठंडे हो गए हैं। तो अब इस तरह से हम मसालों को, इस जो मिर्ची है इसमें हम इस तरह से भर लेंगे। इस तरह से सभी मिर्ची को अच्छे से मसालों में इस तरह से भर लेंगे। जितना इसमें आए उतना ही हमें भरना है। फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप इसे महीनों तक खाएंगे, क्योंकि आप इसे बहुत ही आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से भर लेना है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह मसालों को भर लेना है। तो यहाँ पे सारे मिर्च भर के तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें हम फटाफट फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने छोटा थोड़ा सा तेल डाल दिया है। ये पैन इतना अच्छा है,
कि इसमें तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी कुछ भी इसमें चिपकता ही नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसमें हम सारी मिर्च डाल देंगे, अब इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे उलट पलट के अच्छे से। तो इस तरह से हमने सेक लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उलट पलट के अच्छे से हिला डुला के हमने अच्छे से सेक लिया है। अब इसमें आधा नींबू हम निचोड़ देंगे ऊपर से, जो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जी होने के बावजूद भी कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। और जब भी कुछ मन करे चटपटा खाने का तीखा, तो आप इसे बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये तैयार है, अब हमने गैस को बंद कर दिया है। हमें इसे स्टोर करके नहीं रखना है, इसीलिए हमने इसे अच्छे से पका लिया है, थोड़ा अच्छे से सेक लिया है। अगर आपको स्टोर करके इसे रखना हो तो आप इसे कम ही सेकें, इस तरह से ना सेकें। तो आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताना ज़रूर दोस्तों। और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दाल चावल के साथ ही तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में।